अब खबरें विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है। भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देश बड़े अदब से अटल जी को आज याद कर रहे हैं। उनके जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है, जिसका आज निर्वहन कोरबा में भी किया गया। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में खड़े लखनलाल दिवांगन ने 3 बार के विधायक और कांग्रेस सरकार के मंत्री रहे जेएससी अग्रवाल को हराकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया है। कद्दावर नेता को हराने का इनाम लखनलाल दिवांगन को भाजपा ने मंत्री के रूप में दिया। सामान्य जीवन जीने वाले लखनलाल दिवांगन ने एक पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और आज वे मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, किस तरह उन्हें चुनौतियों का सामना किया और खबर के जरिए हम आपको कोरबा के नए नेता से रूबरू करवाने जा रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। कोरबा में भी इस दिन विशेष को भाजपाइयों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। भाजपा की स्थापना करने वाले नेता की जयंती के मौके पर संगठन के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में ओपन थिएटर के मैदान में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहाँ भाजपा नेताओं के साथ ही शहर के सभी वार्डों के पार्षदों ने हाथों में झाड़ू लेकर मैदान को साफ सुथरा किया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अमर रहे के नारे भी लगाए गए। प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री बनने के बाद कोरबा विधायक लखनलाल दिवांगन का स्वागत सत्कार करने का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रेस क्लब कोरबा द्वारा उनके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रेस कॉम्प्लेक्स में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान पत्रकार साथियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री लखनलाल दिवांगन ने कहा कि हमेशा की तरह उनके घर के दरवाजे सभी के लिए खुले रहेंगे। जमीन विवाद को लेकर कोतवाली थाना अंतर्गत दर्री रोड इलाके में रहने वाले एक परिवार के सिर से छत छिन गया है। परिवार की गैर मौजूदगी में उसके पड़ोसी ने घर पर मौजूद सारा सामान बाहर फेंकवा दिया और घर में तोड़फोड़ कर दी। घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद की स्थिति पैदा ना हो इसे लेकर परिवार को जरूरी समझाइश दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत कर इस दिशा में कार्रवाई करने की मांग की है। कोरबा के कचगोरा क्षेत्र में अपना धर्म बदल चुके 101 हिंदू परिवारों की घर वापसी कराई गई। सांस्कृतिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मौके पर भाजपा नेता प्रबल प्रताप